दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी अल्टमा के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पीएलसी अल्टमा का प्राइस यहां पंप होगा या डंप होगा, क्या करना अभी की डेट में आपको सही होगा अगर आपने यहां पीएलसी अल्टमा में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और कैसे जिन लोगों ने यहां पे एजेंटों पे ट्रस्ट किया उनका पैसा बर्बाद हो गया है पीएलसी अल्टमा में फंस के, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर मैं बात करेंगे पीएलसी अल्टमा में लोगों के पैसे कैसे बर्बाद हुए हैं, तो एलेक्स एक स्कैमर बंदा है और उसने आगे यहाँ पे दलाल रखे हैं, एजेंट रखे हैं, जिनको वो थोड़ा सा कमीशन देता है, और वो लोग उसी कमीशन के लालच में आके यहाँ भोले भाले लोग जिनको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज नहीं थी, ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं थी, उन लोगों को यहाँ पे पीएलसी अल्टमा जैसे स्कैम प्रोजेक्ट में फंसा दिया। अब उन लोगों का ये हार्ड मनी था, उन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है पीएलसी अल्टमा की रिकवरी हो, एटलीस्ट जितना पैसा उन्होंने लगाया है वही पैसा यहाँ पे रिटर्न आ जाए। पर अभी की डेट में देखिए, जो पीएलसी अल्टमा का प्राइस है वो डंप होता ही रहेगा। एक देखिए, स्कैम प्रोजेक्ट में आपको एक बार ही पीक देखने को मिलता है, और एक बार अगर ये अपने हाई रेंज में चले जाता है उसके बाद से अपने हाई रेंज को ये दोबारा कभी टच नहीं कर पाएगा। अब देखिए, अभी अगर इसके हम ओवरव्यू की बात करें तो इसकी रैंकिंग आपको 2762 नंबर पे देखने को मिलती है। अगर इसके हम प्राइस की बात करें, 4592 डॉलर के रेंज में आप देख सकते हैं, 13% का अपसाइड मूवमेंट है। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आपको फेक पंप के थ्रू रिकवरी मार्केट में देखने को मिलती है, इसका जो बॉटम जोन है वो आपको यहाँ 3900 डॉलर के रेंज में देखने को मिलता है, और जो इसका हायर रेंज है वो आपको 6446 डॉलर के रेंज में देखने को मिलता है। मतलब देखिए, जब यहाँ पे कम्युनिटी नेगेटिव हो जाती है एकदम, यहाँ पे जब 15% 20% की आपको डंपिंग देखने को मिलती है, तो एक थोड़ी देर के लिए आपको एक पीक देखने को मिलता है, प्राइस इसका राइज करता है, और इंस्टेंट ही आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलती है। मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग करी होती है इंस्टेंट ही अपने कॉइन को वो सेल भी कर देते हैं, ना उनका प्रॉफिट होता है ना उनका लॉस होता है। पर लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलती है, तो स्कैम प्रोजेक्ट में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं। और जो पीएलसी अल्टमा है ये एक मैनिपुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, जो लोग भी यहाँ पे देखें जेन्युइन इन्वेस्टर है उनको पीएलसी अल्टमा में अपने पैसे लगाने से पहले इसकी हिस्ट्री जाननी थी। पहले अगर आप देख लेते हैं कि प्लेटिन कॉइन का क्या हाल हुआ है और जो स्विस कॉइन आया था उसका क्या हाल हुआ है, उसके बाद अगर आप यहाँ पीएलसी अल्टमा में अपनी बाइंग करते हैं, तो आपको यहाँ पता होता कि जो आप यहाँ पे पैसा अपना लगा रहे हैं वो गैम्बलिंग है। मतलब जो एजेंट है उसका कमीशन आ जाएगा, जो यहाँ पे डायमंड आपके सामने आते हैं, डबल डायमंड आते हैं, वो साले सबके सब दलाल हैं, उनका कमीशन आ रहा है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आप लोगों को फंसा के आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। अगर इतना ही उनका बनता तो वो आपके पास नहीं आते कि आप अपना पैसा लगाओ, वो खुद का पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसलिए देखिए, अभी की डेट में आप लोग थोड़ा यहाँ अवेयर होके चलें, क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे दलाल आएंगे आपके पास, आपको अलग अलग जो स्कीम बताएंगे कि इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पीएलसी अल्टमा की ही बात करें, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे, पर इन्वेस्टमेंट से पहले आपने उसके बारे में प्रॉपर चेक करना है कि हाँ, किसी बंदे ने अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो क्या एक्चुअल में 1 साल तक उसको यहाँ रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ पे स्कैमर इस टाइप के होंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ हमारा पैसा आ रहा है, पर एक्चुअल में जब वो फंस गए हैं तो आपको यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ कमीशन से ही उनका लॉस पूरा होने वाला है। तो जो भी दलाल आ रहा है, जो भी एजेंट आ रहा है आपके पास, उसका यहाँ कमीशन मिल रहा है, तभी आके आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 3 मिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखिए, सारे का सारा फंडा आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि इसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बढ़ी है, एक्चुअल में जो इसका मार्केट कैप है वो नहीं ग्रो किया। मतलब जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग करी उन्होंने सेल भी कर दिया, तो इसका प्राइस राइज भी किया, और उसके बाद से आपको डंपिंग भी देखने को मिली। अभी भी जो इसका आप यहाँ प्राइस देख रहे हैं 4500 डॉलर, इससे भी इसका प्राइस यहाँ डंप होगा। अब अगर इसका हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 4,31,000 देखने को मिलता है। यहाँ पे मिंटिंग प्लान अभी भी बिक रहे हैं, तो जब तक मिंटिंग प्लान बिकेंगे पीएलसी अल्टमा के, उतनी देर मार्केट में यहाँ पीएलसी अल्टमा की सप्लाई आती रहेगी, और जब तक मार्केट में पीएलसी अल्टमा की सप्लाई आएगी तब तक पीएलसी अल्टमा का प्राइस यहाँ डंप होता रहेगा। और यहाँ एलेक्स की जो कमाई हो रही है वो फॉर्म को बेच के ही हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि एलेक्स ने जो डेट यहाँ पे एक्सटेंड किया है 15 सितंबर तक, वो 15 सितंबर को खत्म हो जाएगा। एलेक्स उसको और भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको अपने प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, उसके जेब में कैसे पैसा आता है उससे मतलब है उसको। अब अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस डंप हो रहा था, उसके बाद से एकदम से ही आपको एक रैली देखने को मिली, दोबारा से प्राइस डंप हो गया, सेम जोन में आ गया। मतलब जहां से हम स्टार्ट हुए वहीं पे आके दोबारा गिर गए, बीच में आपको एक खड़ी कैंडल जो देखने को मिली ग्रीन सी।
अब अगर इसके साथ इसके हम एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि अभी की डेट में देखिए ये भी अपडेट बहुत जरूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो इसके एक्सचेंज है वो 10 है, पर अगर आप यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 2 तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म है, इस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम है ही नहीं आपको। और यहाँ मेजर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये बाई बॉक्स पे है, तो बाई बॉक्स पे डीलिस्ट होने वाला है। आप उससे पहले अपनी ट्रेडिंग यहाँ डन कर लें, और उसके बाद से जो हमारा सेकंड नंबर पे आता है कॉइंसबिट। तो कॉइंसबिट एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि टोटली एलेक्स के कंट्रोल में होता है। यहाँ जो भी हगना मूतना सब एलेक्स रोक सकता है आपका। अगर वो चाहे तो आप अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे, और अगर वो ना चाहे तो आप यहाँ अपने कॉइन को सेल भी नहीं कर सकते। तो आप इस तरह के एक्सचेंज से थोड़ी दूरी बनाएं। अभी की डेट में आपको बाय बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, आप वहां पे जाके अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे फॉर्म बाय करी हुई है फिर आपके पास कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे मिंटिंग के थ्रू आपका जो यहाँ प्लान है वो चलता ही रहेगा। अगर आप चाहें कि एकदम से ही आपके पास सारा कॉइन आ जाए तो वो चीज आपके पास नहीं होगी। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को दलालों ने फंसाया वैसे ही आप किसी और को फंसा के अपना पैकेज जो है, अपना जो प्लान है वो सेल कर सकते हैं। फिर वो बंदा फंस जाएगा यहाँ पे और आपके जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे। बट ये देखिए ये भी एक हाई लेवल के दलालों का काम होता है, मेरे जैसे आपके जैसे लोग यहाँ पे दलाली नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जूम मीटिंग में बहुत सारे दलाल आते हैं, इवनिंग का सेक्शन अलग होता है, मॉर्निंग का सेक्शन अलग होता है, अलग अलग डायमंड अलग अलग लेवल के बंदे आते हैं, और दलाल अपने अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारा ये हो गया हमारा वो हो गया, पर एक्चुअल में जो कुंडी होती है उनकी गिरती है कि आके आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर आपके पास भाई इतना ही पैसा है तो आप जूम मीटिंग में आके क्यों बैठ रहे हो? आप लोग खुद अपने जो पैसे से पैसा अर्न करो, आप लोग पीएलसी अडमा में अपनी इन्वेस्टमेंट करो, लोगों को इन्वेस्टमेंट करवा के लोगों को करोड़पति बना के आपको क्या मिलेगा? आप यहाँ खुद के पैसे को इन्वेस्ट करो और खुद से आप यहाँ पे पैसे अर्न करके और करोड़पति बन जाओ, लोगों को आप अपने आइडिया क्यों शेयर कर रहे हो? तो यहाँ देखिए आप लोगों से आइडिया शेयर करने का मतलब बस यही है कि अगर उनकी दलाली आप सुनोगे, उनकी आप स्कीम यहाँ सुनोगे और आप उनके झांसे में फंस जाओगे तो आपके इन्वेस्टमेंट से उनका कमीशन बन जाएगा, और आपका जो पैसा है वो यहाँ पे फंसे, जो मर्जी हो उनको लेना देना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए आपको अलग अलग टाइम में जूम मीटिंग देखने को मिलता है। अब आपको यहां तक समझ आ गया होगा पीएलसी अडमा में चल क्या रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइंसबिट एक्सचेंज पे, देखते हैं इसके प्राइस में हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका प्राइस यहाँ डंप होगा या आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिलेगी। इसके अगर हम पीएलसी अडमा की बर्बादी की बात करें तो अब धीरे धीरे ये अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, जैसे प्लेटिन कॉइन खत्म हो गया वैसे ही आपको यहाँ पीएलसी अडमा भी खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। दलालों से अगर आप यहाँ बच के रहेंगे तभी आप यहाँ पे अपनी हार्ड वर्किंग के मनी को बचा पाएंगे। अब हम चलते हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे। अब आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं कॉइंसबिट एक्सचेंज पे। यहाँ पे हम पीएलसी अडमा का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। यहाँ अगर इसके हम करंट प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको यहाँ $4,699 के रेंज में देखने को मिलता है। 24 आवर में 13% का यहाँ अपसाइड मूवमेंट है। अब अगर आप यहाँ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कॉइंसबिट पे अपने कॉइन को सेल करने का एक टाइम लिमिट मिलता है आपको। आप यहाँ 11 बजे से लेके और 6 बजे शाम तक ही अपने कॉइन को सेल कर पाएंगे, और ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जैसे आपका यहाँ सेलिंग का टाइम खत्म हो जाता है वैसे ही आपको यहाँ मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलती है। तो ये जो आप जोन देख रहे हैं जब इसका जो प्राइस है वो $8,000 के रेंज तक गया, तो वही टाइम था जब आप यहाँ पे अपने कॉइन को सेल नहीं कर पाएंगे। तो जब आपके पास सेलिंग का ऑप्शन ही नहीं है तो एलेक्स यहाँ पे फेक पंप करवा सकता है, उसको पता है कि उसका यहाँ चवन्नी का भी लॉस नहीं होगा। पर यहाँ जितने भी इन्वेस्टर हैं पीएलसी अडमा के, उनको यहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा कि पीएलसी अडमा का प्राइस यहाँ रिकवर कर रहा है। तो अभी के लिए देखिए अगर हम यहाँ पीएलसी अडमा के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे डंप ही होगा, प्राइस इसका राइज नहीं हो सकता। रीजन क्या है? इसकी डिमांड तो है ही नहीं है और इसकी जो सप्लाई है वो दिन पर दिन मार्केट में बढ़ रही है, तो यहाँ पे अपसाइड में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एलेक्स चाहे जो मर्जी कहे पर इसका पहले डिमांड जोन होना चाहिए, डिमांड जोन के बाद ही इसका जो प्राइस है वो यहाँ राइज कर सकता है। अभी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही हो सकता है कि अगर आप यहाँ अपने पीएलसी अडमा में स्टक हो गए हैं तो आप यहाँ अपने पीएलसी अडमा एक्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अब जो आपको राइज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पीएलसी अडमा एक्स में। और उसके बाद जब यहाँ पीएलसी अडमा प्रो आएगा फिर जब यहाँ पीएलसी अडमा एक्स है वो भी आपको खत्म होता देखने को मिलेगा। मतलब ये जो स्कैम है उसका सर्कल चलता रहेगा, जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो लोग यहाँ फंस गए हैं, पर उनके निकलने का एक ऑप्शन यही है कि वो अपने कॉइन को यहाँ थोड़ा कन्वर्ट कर ले, और बाकी जैसे जैसे मार्केट में उनको मिंटिंग के थ्रू कॉइन मिलते रहेंगे वैसे वैसे वो अपने कॉइन को यहाँ कन्वर्ट करते रहें। क्योंकि देखिए एक बार जब पैसा लगा दिया है उन्होंने गैम्बलिंग में और किसी स्कैमर के जेब में फेंक दिया है तो वो तो कभी आपको रिटर्न ही नहीं करेगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं कि जितना आपको चवन्नी उसमें से मिलता है उसको आप निकाल लें। अगर आप यहाँ चाहें कि आपका पूरा कैपिटल निकल जाएगा तो वो एलेक्स आपको कभी भी नहीं रिटर्न करने वाला। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।